सोनीपत में मार्केट कमेटी और सब्जी मंडी एसोसिएशन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी एसोसिएशन को नोटिस भेजकर पुरानी सब्जी मंडी के कवर्ड शेड को खाली कराने के लिए कहा। इसके बाद अड़ातियों और सब्जी मंडी एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दरअसल मार्केट कमेटी ने पुरानी सब्जी मंडी के शेड को असुरक्षित बताया है और नई सब्जी मंडी बनाकर वहां शिफ्ट होने के लिए कहा है। वहीं मंडी के प्रधान का कहना है कि नई सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का अभाव है और वहाँ अभी तक दुकानों के अलॉटमेंट की बात भी नहीं हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि अगर उन पर दबाव बनाया गया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। सोनीपत की सब्जी मंडी में आड़ती और यहां पर काम करने वाले तमाम लोगों द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया है। यहां पर जिस प्रकार से सोनीपत में मार्केट कमेटी द्वारा नोटिस भेजा गया है कि मंडी की शेड को खाली किया जाए, लेकिन यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं और यहां पर मंडी प्रधान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नई मंडी में शिफ्ट होने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर अलॉटमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। बगैर व्यवस्थाओं के किसानों का माल जो है कहां पर रखा जाएगा, इसी बात को लेकर अब ऐलान ये भी किया गया है अगर प्रशासन दबाव बनाएगा शेड खाली करने का तो मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी और यह ऐलान जो है पूरे हरियाणा भर पर भी जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें बगैर व्यवस्थाओं के किस प्रकार से मंडी में जो है शिफ्ट किया जा सकता है, और यही बात जो है सोनीपत में मंडी एसोसिएशन द्वारा कही गई है और यहां तमाम जो आड़ती हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार्ग।